नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्र। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, ऊपर लिखा हुआ है www.gsmantra.org, आपकी वेबसाइट है, आप इस पर विजिट करें और जो भी फीडबैक्स हो हमको जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813। देखिए, चार्टर एक्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ था 1793 से। 1793 में चार्टर एक्ट आया जिसके द्वारा कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार पर एक अधिकार दिया गया। भारत में कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए एकाधिकार में बदल दिया गया, अर्थात कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा। 1813 जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, 1813 का चार्टर एक्ट आते आते 20 साल बीत चुके थे, अर्थात एकाधिकार का समय भी समाप्त हो रहा था। उनकी मोनोपाली जो चल रही थी उसका समय खत्म होने वाला था। अब ब्रिटिश सरकार से मांग की जाने लगी कि कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया जाए, और कुछ चीजें और भी प्रभावशाली रही कंपनी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए, जैसे हस्तक्षेप का सिद्धांत था और नेपोलियन का महाद्वीपीय सिद्धांत जो आया था, क्योंकि नेपोलियन रह चुका था इसके पहले और बहुत प्रभावशाली रहा था वो, तो उसके कारण यूरोपीय व्यापार एकदम ठप सा पड़ने लगा था, यूरोपीय व्यापार कमजोर होने लगा था, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, दोबारा शुरू करने के लिए कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त करना आवश्यक होता जा रहा था। और ब्रिटिश संसद में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया व्यापार पर से, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, दो चीजें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। दो चीजें हैं कि चीन के साथ कंपनी जो व्यापार करेगी उस पर कंपनी का एकाधिकार होगा, अर्थात कंपनी के अलावा कोई और चीन से व्यापार नहीं कर सकता है ब्रिटिश साम्राज्य में, और चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी भारत में, चाय का व्यापार कोई और नहीं करेगा। तो ये परिवर्तन 1813 के चार्टर में किया गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहा। और देखते हैं क्या क्या परिवर्तन 1813 के चार्टर एक्ट में आए, क्या क्या नियम बनाए गए और कंपनी के शासन पर क्या क्या प्रभाव डाला गया। देखिए, 1813 का समय आते आते कंपनी का भारत में साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो चुका था, उसमें वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी, और वो इतना बड़ा हो गया था कि कंपनी के लिए राजनैतिक और व्यापारिक दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए व्यापारिक एकाधिकार को जब समाप्त कर दिया गया तो वो नए अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई, और उसके बाद जो कंपनी के अंशधारक थे, इन्वेस्टर्स जो उसके थे, कंपनी के अंशधारकों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश देने का प्रावधान किया गया। 10.5% प्रतिवर्ष 10.5% का उनको, जो कंपनी के अंशधारक थे, क्योंकि कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था, तो वो राजस्व से उनको 10.5% दिया जाएगा। अब भारत से राजस्व वसूलने का जो नियंत्रण था, भारत पे राजस्व का नियंत्रण 20 वर्ष के लिए कंपनी को और दे दिया गया। अभी से 1813 से 20 वर्ष के लिए कंपनी का नियंत्रण में दे दिया गया उसको, और यह निर्धारित कर दिया गया कि जहां से वो राजस्व वसूल रहे हैं वो भी ब्रिटिश प्रभुत्व का ही क्षेत्र है, क्राउन के प्रभुत्व वाला वो क्षेत्र है, उसमें कोई भी कमी नहीं समझी जाएगी। और वास्तविक रूप में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति पहली बार यहीं से परिभाषित होती है कि वो क्राउन के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, क्राउन अपना कब्जा दिखाना शुरू करता है यहाँ से। अभी तक तो कंपनी दिखा रही थी, अब सीधा हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए, उनको आगे रिसर्च करने के लिए और विभिन्न चीजें, कुल मिला के आप
इसको एक मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये महत्वपूर्ण बात है, प्रश्नगत हो सकती है कि 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान कब किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थिति को भी परिभाषित कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड जो था उसको भी परिभाषित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड यह होगा, इसके ये काम होंगे। उसके बारे में आपको ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। और ईसाई धर्म प्रचारक, आगे चल के हमारी धार्मिक भावना में हस्तक्षेप जो किया गया 1857 की क्रांति के कारणों में से एक रहा, वो ये भी था कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति दे दी गई। वे सरकार से अनुमति लेकर के भारत में धर्म प्रचार के लिए आ सकते थे। क्योंकि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका था, इसलिए विदेशी व्यापारियों को और इंजीनियर्स को यहाँ आने, भारत में और यहाँ बसने की छूट दे दी गई। वे भारत में आ सकते थे, बस सकते थे, बस उनको एक लाइसेंस लेना होता था नियंत्रक मंडल से, चाहे वो ले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से या फिर वो संचालक मंडल से लाइसेंस लेकर के उनको यहाँ बसने की अनुमति दी जाती थी। तो इस तरह से चार्टर एक्ट में यही बदलाव किए गए। और ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अगला जो वीडियो होगा वो 1833 के चार्टर एक्ट पर होगा, 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद आपको 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बताएंगे। 20 साल पर चार्टर एक्ट अधिकतर आया करते थे। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।